है। तो सोच रहे थे कि जामिया के अंदर जो ना झंडा ला कर लगाया जाए, क्योंकि हर साल जामिया में झंडा लगाया जाता है, अभी तक नहीं लगाया गया था। तो आज झंडा लेने के लिए आए, देख रहे रोड पर अभी फिलहाल। तो पीपल्स कॉलोनी मार्केट सबसे पहले पूछेंगे, वहाँ से मिलेगा, क्योंकि झंडा थोड़ा सा बड़ा ही हो तो फिर जो ना खूबसूरत लगेगा। तो चलिए देख, चलिए जी, अभी तकरीबन पीपल्स कॉलोनी के अंदर पहुँच गए थे। यहाँ जो ना ये गवर्नमेंट स्कूल है, तो ये साथ जो ना पार्क ग्राउंड है मेरे ख्याल, हाँ ग्राउंड है, फतेह ग्राउंड। तो ये है मार्केट, तो अभी इसके अंदर जाएंगे और ये रोड के ऊपर उम्मीद है कि कोई ना कोई शॉप लगी होगी। यहाँ से पूछ लेते हैं पहले कि मिलता है कि नहीं, तो मैं पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, झंडे भी हैं? झंडे नहीं हैं इधर? चलें जी, इधर तो नहीं है, अभी कह रहे हैं कि इस साइड जो ना पता करें मार्केट के अंदर, उम्मीद है मिल जाएंगे। ये देखें नाज़रीन, यहाँ पे जो असल मार्केट है काफ़ी ज़्यादा लगाए हुए नगमे मार्केट के अंदर तो आ गए हैं, पूछते हैं, इधर तो सारी बंद है लेकिन यहाँ पे जो ना खुली हुई है, पूछते हैं कि मिलता है कि नहीं। चल अस्सलाम वालेकुम, झंडा भी होगा इनके पास? नहीं नहीं, बड़ा झंडा ये इनके पास एक झंडा है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जिसके ऊपर तस्वीर ना हो वो साहब। कैसा जी लेना? देखे लेते हैं। नहीं यार, वैसे ये लड़की वाला अच्छा नहीं लगता। पर लेना कह रहे थे तस्वीर वाला लेना, तो नहीं हमने तस्वीर वाला नहीं लेना, अभी दे लेते हैं। हाँ जी दिखा रहे, अहमद बिलाल है, ये फुल साइज है। इतना सफेद हटा दिया जाए, छोटी छोटी है ना, मैं पूछने कीमत की, कीमत कीमत है साहब। झंडा हमने अल्हम्दुलिल्लाह खरीद लिया है, 1000 रुपये का झंडा है, और ये एक्स्ट्रा अलहदा पैसों से जो ना ये खरीदे हैं, क्योंकि वो जामिया के पैसे तो ये हमारे अपने, हमने अपने लगाने के लिए लिए। तो खैर अभी चलते हैं, चलते हैं।